बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, क़यामत के दिन माँ के नाम से पुकारा जाएगा या बाप के? आम आवाम में ये बात काफ़ी मशहूर है और बहुत से लोग इस मुतालिक सवाल करते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को इनके वालिद के नाम से बुलाया जाएगा या वालदा के नाम से। तो जवाब इसका यह है कि क़यामत के दिन इंसान को वालदा के नाम से नहीं बल्कि अपने और अपने वालिद के नाम से पुकारा जाएगा। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलि वसल्लम ने फ़रमाया, रोज़े क़यामत तुम अपने नामों और अपने अब्बा बाप के नामों से पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने नाम अच्छे रखा करो। अवाम में जो बात मशहूर है कि क़यामत के दिन वालदा के नाम से पुकारा जाएगा, तो इनके लिए ये दलील है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप ही नहीं तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस नाम से पुकारा जाएगा। ये बात भी गलत है और दलील भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ना तो वालिद हैं और ना ही वालदा। जैसे इन्हें पुकारा जाएगा, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पुकारा जाएगा।